नमस्कार, न्यूज लॉन्ड्री इंटरव्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम शार्दुल है और आज हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार राहुल पंडिता से। इससे पहले उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं के पलायन पर आर मून हैज ब्लड क्लॉट्स और छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर हेलो बस्तर अनटोल्ड स्टोरी ऑफ माओइस्ट मूवमेंट इन इंडिया लिखी है। इसके अलावा उन्होंने बहुत से कॉन्फ्लिक्ट जोन से पहले भी रिपोर्ट किया है। नमस्कार राहुल, न्यूज लॉन्ड्री में आपका स्वागत है। धन्यवाद शार्दुल। आज हम राहुल की नई किताब द लवर बॉय ऑफ भावलपुर के बारे में बात करेंगे, जो पुलवामा हमले पे एनआईए के इन्वेस्टिगेशन और उसमें शामिल लोगों के बारे में, केवल उनकी व्यक्तिगत लाइफ के बारे में ही नहीं, उसकी प्लानिंग के बारे में भी बताती है। राहुल, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि इस किताब को लिखते समय आपने जो ये आतंकी थे उनके व्यक्तिगत जीवन को पाठकों के सामने रखने को क्यों जरूरी समझा? देखिए, कश्मीर के संदर्भ में हम बात करें तो किसी भी व्यक्ति की निजी जिंदगी से उसकी वो जिंदगी जिससे वो दूसरों पर असर डालता है, इस मामले में आतंकवादी, वो अलग नहीं होती। तो इसलिए जब आप किसी भी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं या किसी भी कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, उसकी एक पृष्ठभूमि देना बहुत जरूरी होता है, एक कम से कम एक किताब में, और पाठकों को ये बताना जरूरी होता है कि ये आदमी जो था 20 साल का या 22 साल का, इसने ऐसा क्यों किया कि एक आत्मघाती दस्ता उसने तैयार किया, एक कार उसने तैयार की और उसके बाद उस खुद तो जान से गया ही, 40 सैनिकों को भी उसने मार दिया। तो इसकी पृष्ठभूमि इसलिए बहुत जरूरी होती है ये जानना कि ये आदमी कौन था, ये किस फैमिली से बिलोंग करता था, इतना रेडिकलाइज ही हुआ तो क्यों हुआ, उसके बिना इस तरह की कहानियां अधूरी होती। देखिए राहुल, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आमतौर पर किसी भी आतंकी हमले या किसी भी इस तरह के इंसिडेंट के जब इन्वेस्टिगेशन के बारे में किताब लिखी जाती है, उसकी पड़ताल के बारे में, तो उसमें किरदार अधिकतर लॉ एनफोर्समेंट वाले रहते हैं। लेकिन आपकी किताब में लॉ एनफोर्समेंट वाले किरदार तो हैं ही, जैसे मणिपुर से जो आए थे एनआईए के चीफ, जो जम्मू के ही रहने वाले थे बलवान साहब, या बीएसएफ के दुबे जी जो थे। आमतौर पर उन किताबों में केवल लॉ एनफोर्समेंट वाले किरदार रहते हैं, लेकिन आपकी किताब में मुझे, और ये अच्छी बात लगी क्योंकि हमें पृष्ठभूमि समझ आई मुझे पढ़ते हुए, मैंने किताब एक बार में पढ़ी और दो बार पढ़ी, इस किताब में मुझे वो नैरेटिव मिला जो मुझे पहले किसी भी इन्वेस्टिगेशन के बारे में नहीं मिला। आपने ये डिसीजन किसी खास वजह से लिया था या केवल इसी वजह से कि लोगों को समझ आए? देखिए, इस कहानी के नायक नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के जो जम्मू एंड कश्मीर के हेड हैं, राकेश बलवल, वो हैं, क्योंकि वो इस पूरे घटनाक्रम को का खुलासा करते हैं, वो तमाम डॉट्स जो इसमें जोड़ने चाहिए, जिस तरह की प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, वो राकेश करते हैं अपने बाकी साथियों की मदद से और जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद से और बाकी सारी जो एजेंसियां काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में शामिल होती हैं। लेकिन वो एक प्रोटैगनिस्ट तो है ही, लेकिन मैं इस कहानी में, मैं इस किताब में ये भी दर्शाना चाहता था कि इस कहानी के जो विलन है, जो मास्टरमाइंड है, खासकर जिसकी तस्वीर इसके कवर पर भी है, उमर फारूक, ये कौन है? और कई सारे पाठकों ने, कई सारे रीडर्स ने, जब ये किताब बाहर हुई तो कई सारे रीडर्स ने मुझसे ये भी पूछा कि सोशल मीडिया पे कुछ लोगों को ये भी शिकायत थी कि मैं एक आतंकवादी का महिमा मंडन कर रहा हूँ क्योंकि उसकी तस्वीर मैंने अपने कवर पे डाली है, उसको लवर बॉय की उपाधि दी है। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि आप लवर बॉय की जो अंग्रेजी डेफिनेशन है उसको जानने का प्रयत्न कीजिए। मैं उसको कोई प्रेमी नहीं कह रहा हूँ, मैं लवर बॉय उसकी एक नेगेटिव कॉनोटेशन होती है। और मैं इस किताब के जरिए ये दर्शाना चाहता था, इस टाइटल के जरिए ये दर्शाना चाहता था कि ये जैश का आतंकवादी, ये जो मास्टरमाइंड है, ये इतना रूथलेस था, इतना मैनिपुलेटर था कि ये अपने मकसद में कामयाब होने के लिए किसी भी हद तक जा सके, और उसकी कोई हद नहीं थी। और इस जो उसको टारगेट मिला था, जो उसको गोल मिला था अपने अकाउंट से पाकिस्तान में,
उसको पूरा करने के लिए इसने अदल अहमद डार जैसे लोगों का ब्रेन वॉश करके उसको सुसाइड बॉम्बर बनाने पर राजी कर लिया, आमादा कर लिया, नंबर एक। दूसरा इंशा जान जैसी लड़कियों के साथ प्रेम प्रसंग रचाकर और उसकी एक्टिंग करके एक तरह से कि मैं तुम्हारे प्रेम में लिप्त हूँ, उसने अपना जिसे हिंदी में कहते हैं उल्लू सीधा किया। उसका उल्लू सीधा ये था कि उसको अपना जो मिशन था वो पूरा करना था, लेकिन इंशा जान को ये मालूम नहीं था कि वो उसकी इकलौती कोट अनकोट प्रेमिका नहीं है। उसकी कई सारे इस तरह के जो हैं, उसने अपने कई तरह ऐसी लड़कियों को अपने प्रेम के जाल में फंसा रखा है, इंक्लूडिंग इंशा जान की जो अपनी कजिन है उसको भी। और जब ये बात इंशा जान पर इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन के दौरान उजागर होती है तो उसके दिल को बहुत ठेस पहुंचती है और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेटर्स के सामने और खुलकर जो राज है, जो उसका समय बीता उमर फारूक के साथ और बाकी जो जैश के ऑपरेटिव्स है उसके बारे में एनआईए से खुलकर बात करती है। और इस बातचीत से और भी खुलासा होता है। और एनआईए, देखिए एनआईए का हमें समझना होगा कि एनआईए का गठन मुंबई हमले के बाद हुआ, आतंकी हमला जो 2008 के बाद, नवंबर 2008 में उसका गठन इसलिए हुआ क्योंकि एजेंसियां तो बहुत थी, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में भी एजेंसियां बहुत थी, लेकिन इंटरनेशनल फोरम्स में इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह का एविडेंस लोगों को चाहिए होता है, इंटरनेशनल एजेंसीज को चाहिए होता है, उस तरह का एविडेंस, उस तरह के सबूत भारतीय एजेंसियां जुटा नहीं पाती थी। इसलिए एनआईए का एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन संस्था के तौर पर गठन हुआ। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है क्योंकि मैं ऐसे ही केसेस में दिन रात उलझा रहता हूँ। ये शायद ऐसे बड़े केस में पहली बार ऐसा हुआ कि एनआईए ने इस पूरे घटनाक्रम के पूरे एविडेंस जो है, पूरे सबूत जो है, इस स्टैंडर्ड के जुटाए कि वो किसी भी कोर्ट में, चाहे वो इस देश का कोर्ट हो, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट हो, कहीं भी अगर आप किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था को भी कल वो सबूत सौंपना चाहे तो वो किसी भी इंटरनेशनल स्क्रूटनी पर खड़े होते हैं। वो बहुत अच्छी बात है, आप बुक में मेंशन भी करते हैं। पर जैसे हमने उमर फारूक की बात की और उसने लड़की को, एक को नहीं कईयों को, फंक्शनली एसेट ही बना लिया था अपना जी, तो ये इसमें जो ब्रेन वॉशिंग वाला फैक्टर है, मुझे एक और किरदार इस किताब में काफी स्ट्राइक किया, वो जो गाजी बाबा के टाइम पे जो था कमरे बनाने वाला कारीगर, जिसे वो कहते हैं कि आंखों पर पट्टी बांध कर लाते थे लेकिन एक बार सिगरेट पीते जाते हुए उसने देखी थी जगह। मैं ये जानना चाहता था ये इन्हें नर्चर यानी पल्लवित कैसे करते हैं ऐसे लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को पता तो होगा ये काम क्या कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों को नर्चर करने का ये कितना वाइड स्प्रेड है नेटवर्क। देखिए जो पाकिस्तान से जैश या लश्कर ए तोयबा के आतंकवादी आते हैं, उनके और जो कश्मीरी लड़के हैं जो आतंकवादी बनते हैं, उनमें एक बहुत बड़ा फर्क होता है। वो फर्क ट्रेनिंग का फर्क होता है। जो हर दिन अगर आप इंसर्जेंसी को कवर करते हैं, फॉलो करते हैं कश्मीर में, तो उसका फर्क आपको डे टू डे बेसिस पे पता चलता है। मिसाल के तौर पर अभी भी आप देखेंगे आजकल 2016 के बाद, ये बात बिल्कुल सही है, जैसे हम एक बहुत बड़े हिजबुल कमांडर का नाम हमेशा आप सुनते हैं, बुरहान वानी जी। सो बुरहान वानी एक नौजवान था जो हिजबुल मुजाहिदीन का तथाकथित कमांडर था, लेकिन कमांडर की उपाधि जो है वो हम जैसे लोगों ने उसको दिए, मीडिया के लोगों ने उसको दी। एज फार एज हिज ट्रेनिंग इज कंसर्न, जहां तक उसकी ट्रेनिंग का सवाल है, वो एकदम बहुत ही कच्ची ट्रेनिंग थी उसकी। उसने बहुत ही, मतलब आपने देखा होगा कि जो भी उसके वीडियो आते थे या जो फोटोज आती थी उसके मरने से पहले 2016 में, वो हमेशा किसी सेब के बाग में अपने दोस्तों के साथ पढ़ा रहता था। जैसे वो गुलजार साहब की फिल्म है माचिस, जिसमें वो गाना है चप्पा चप्पा चरखा चले और उसमें वो बैठे हुए हैं, तो उसी तरह की जिंदगी उसकी थी। पिकनिक मना रहे हैं और एक AK-47 उठाकर या एक पिस्तौल उठाकर या एक हथगोला उठाकर आप किसी निहत्ते CRPF या किसी सैनिक को मार दें, उसमें कोई बहादुरी या ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, वो कोई भी कर सकता है और वो कोई करता भी है। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि कितने लोगों को मार दिया
उसके लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है कि 47 अपना काम करती है, उसको उसका ट्रिगर दबाने की जरूरत है, वो एक दिन में आप सीख जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो ये ट्रेनिंग बहुत कच्ची होती है। इसी कच्ची ट्रेनिंग से ये होता है कि जब ये लोग जब इंटेलिजेंस इनपुट आते हैं सुरक्षा एजेंसियों के पास और वो किसी घर में फंस जाते हैं, तो वो ज्यादा देर वहां टिक नहीं पाते। कुछ ही घंटों में वो मुठभेड़ खत्म हो जाती है, उसके बाद या तो उसकी मौत हो जाती है, और अगर उसको सरेंडर करने का मौका मिला, अगर उसके आकाओं ने उसको सरेंडर करने दिया, कई बार उसमें पाकिस्तानी मिलिटेंट भी होता तो सरेंडर नहीं करने दिया तो मारा जाता है। लेकिन अगर इसकी तुलना हम उन लोगों से करें जो पाकिस्तानी कमांडर हैं, जैसे उमर फारूक जैसे कमांडर, ये बहुत ही हाईली ट्रेंड टेररिस्ट थे और इनको तरह तरह के प्रशिक्षण प्राप्त है। उमर फारूक जैसे ये अभी आजकल हम ड्रोन की बहुत चर्चा सुन रहे हैं, तो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी में माहिर था, एंटी एयरक्राफ्ट गन चलाने में माहिर था, एक्सप्लोसिव्स में महारत हासिल थी, और इसके अलावा इन काफी सारे लोगों में ये महारत भी होती है क्योंकि इन्हें ब्रेन वॉश करने की बहुत जरूरत पड़ती है। इनका काम देखिए, जब भी बाहर से आदमी आएगा उसका काम जब तक उसको लोकल लेवल पे सपोर्ट नहीं मिलेगा, उसके लोकल लेवल पे स्लीपर सेल्स नहीं होंगी, तो वो कहीं भी शोपियां या कुलगाम या बारामूला में नहीं टिक सकता। तो उसको लोकल सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है, तो लोकल सपोर्ट उसी के साथ मिलता है जो ऑलरेडी रेडिकलाइज है, और उसको फिर और रेडिकलाइज किया जाता है ताकि वो उस लेवल तक आ जाए कि उसके पास उसको एकदम अंधा कर दिया जाता है कि उसको किसी भी तरह की और चीज दिखे ना, और उस वो वही करे उस अंधभक्ति में आकर जो वो मास्टरमाइंड उससे करवाना चाहता है। उमर फारूक जैसा आदमी ये इतना इफेक्टिव स्पीकर भी है, एक प्रशिक्षण प्राप्त एक तरह के सोल्जर होने के अलावा इसको इतना प्रशिक्षण है कि ये बहुत ही इफेक्टिवली उर्दू बोल सकता है, दारी बोल सकता है, पश्तो में बोल सकता है, और जब ये बोलता है तो लोग एकदम इसकी बात सुनने पर एकदम वो हो जाते हैं, एकदम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो इसी इन्फ्लुएंस के चलते ये आदिल अहमद डार जैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, शाकिब बशीर जैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, वैजुल इस्लाम जैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, जो छोटा लड़का है 17-18 साल का, वो मेडिकल की डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहता है लेकिन उसको वहां से हटा के उसको अपना कोरियर बना दिया जाता है। तो इस तरह की प्रशिक्षण प्राप्त है। तो ये हमें समझना होगा कि ये लोग जो हैं बहुत ही हाईली ट्रेंड हैं और इनसे निपटना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, ये तो हाईली ट्रेंड इंडिविजुअल्स की बात हुई और लेस ट्रेंड जो कश्मीर के लड़के हैं, लेकिन मैंने उस कमरे बनाने वाले की बात इसलिए उठाई क्योंकि मैंने नोट भी किया था कि क्या सभी लोग जियोपॉलिटिक्स की वास्तविकताओं से, सच्चाइयों से बेखबर हैं? आखिर में इस सब कश्मकश का एंड गेम क्या है? कुछ तो ये लोग गोल देखते होंगे, या क्या सही में जैसा बहुत सारे लोग और आप भी कई बार कहते भी हैं, लिखते भी हैं कि वो वही लॉफ्टी गोल है आजाद कश्मीर का, क्योंकि वो तो जियोपॉलिटिक्स सच्चाई है नहीं। देखिए, जब आप एक यूफोरिया जब आपके दिमाग में आ जाता है, उस यूफोरिया से आपके सेंसेस पर पर्दा पड़ता है। कई बार आप देखते होंगे, यहाँ भी मैं क्योंकि मैं नक्सल एरिया भी बहुत कवर करता हूँ, तो किसी इलाके में कहीं एक कोई सज्जन मिल जाएंगे और वो जब भी हम, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पर मेरे कुछ ऐसे मित्र हैं काफी जगहों पे, मिर्जापुर में हैं, बस्तर में हैं, इधर हैं, उधर हैं, उनसे आप 6 महीने के बाद भी मिले, 1 साल के बाद भी मिले, वैसे हाथ पकड़ के उनकी आंखों में एक चमक होती है और वो कहते हैं कि कॉमरेड, बस 6 महीने के बाद क्रांति आने वाली है। और वो 6 साल और 20 साल हो गए जब से मैं उन लोगों को जानता हूँ, क्रांति कभी जिस तरह की क्रांति की आशा उम्मीद वो रखते हैं, जिस तरह की क्रांति के सपने वो देखने को भी आते नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब इस तरह की यूफोरिया, जब इस तरह की चीजों में आप विश्वास करने लगते हैं तो आपका लॉजिक से पर्दा हट जाता है, लॉजिक आपसे दूर चला जाता है। जो आपने जियोपॉलिटिकल सच्चाई कही कि कश्मीर में, अब कश्मीर में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार तबका है, उसको ये मालूम है कि अगर 5,000 साल तक भी ये लड़ाई चलती रही, जी वॉर ऑफ एट्रिशन जिसे हम एक इंसर्जेंसी की भाषा में कहते हैं, अगर ये चलती रही लेकिन ये कभी खत्म नहीं होगी और ये पाकिस्तान के फेवर में कभी नहीं जा सकती। लेकिन उस पल में, जिस पल में आपको एक धार्मिक उन्माद के चलते या किसी उसी तरह के यूफोरिया का चलते आपसे ये कहा जाता है कि आप इस जिहाद का सबसे बड़ा सिपाही हैं, आप इस जिहाद का सबसे बड़ा वेपन है, आपके बिना ये जिहाद मुमकिन नहीं है,
तो आपकी आंखों पर एक माया का पर्दा पड़ जाता है, और वो पर्दा हटना, एक बार जब पड़ जाए तो पर्दा हटना फिर बहुत मुश्किल होता है। एक बार आप रेडिकलाइजेशन के चुंगल में फंस जाते हैं तो उससे हटना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैं बार बार जब मैं कश्मीर के बारे में लिखता हूँ, खासकर विगत कुछ सालों में, 2019 जब एब्रोगेशन हुई आर्टिकल 370, उसके बाद खासकर मेरा हमेशा ये कहना है कि एक काउंटर इंसर्जेंसी मॉडल में टेररिस्ट आतंकवादियों को मरना बहुत जरूरी है, उसे आप नकार नहीं सकते, लेकिन वो किसी भी काउंटर इंसर्जेंसी मॉडल का एंड गोल नहीं हो सकता जी। आपकी काउंटर इंसर्जेंसी मॉडल का एंड गोल ये होगा कि इस तरह के आदमी जो आते हैं और जो रेडिकलाइज करते हैं किसी भी सोसाइटी में, किसी भी गली मोहल्ले में, किसी मस्जिद में जाकर वो कुछ सुनता है, कोई मौलवी उसको कुछ कहता है, या किसी मदरसे में वो सुनता है, या किसी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में वो सुनता है, या सरकारी स्कूल में कोई टीचर उसको कुछ कहता है, तो जब तक ये फाउंटेन, ये जो लोग हैं, जो सोर्स है इस रेडिकलाइजेशन के, जब तक इंडियन स्टेट इससे नहीं निपटेगी, तब तक इस काउंटर इंसर्जेंसी मॉडल का परिणाम जो है तो वो अनुकूल बस यही होगा कि आप ये 20-22 साल के लड़कों को मारते जाएं, वो आते जाएं, लेकिन वो उसे सक्सेस, लॉन्ग टर्म सक्सेस में मैं पर्सनली उसे नहीं गिन सकता। केवल डंडे के जोर से नहीं हो सकता, केवल डंडे के जोर से नहीं हो सकता, और इसको, इसके फाउंटेन हेड पर अपनी जो स्रोत है इसका रेडिकलाइजेशन का, उस पर चोट करनी पड़ेगी। जब तक उस जगह आप चोट नहीं करेंगे, तब तक आप जैसे ये दीवार में आपके घर में सीलन आती है तो आप उसमें पुताई करते रहिए, कुछ नहीं होगा। जब तक जो सीलन का स्रोत है, जहां से वो पानी निकल रहा है, लीकेज हो जहां से हो रहा है, जब तक वो लीकेज पे आप काबू नहीं करते, जब तक उसमें सीलेंट आप नहीं लगाएंगे, तब तक ये रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस अनफॉर्चुनेटली खत्म नहीं हो सकता। और इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि कश्मीर में बहुत ही साफ संदेश देने की जरूरत है, लेकिन वो संदेश, कश्मीर का दुर्भाग्य ये रहा है कि आजादी के बाद से वो संदेश जो है वो क्लियर संदेश आप कभी भी कश्मीरी मेन स्ट्रीम लीडर्स को वहां दे नहीं सके, और कश्मीरी मेन स्ट्रीम लीडर्स आगे जाके वहां आम कश्मीरियों को नहीं दे सके। इसी तरह का एक ड्यूअल फेसेटनेस वहां बन गया जो आज की स्थिति के लिए जिम्मेदार है। हम भारतीय स्टेट की बात कर रहे थे, जैसा आपने भी अभी कहा, मुझे एक और असफलता, हालांकि अलग अलग समय पर अलग अलग है, मतलब एक बहुत ही ग्लेयरिंग, जो गुर्जर गडरिये की बात आपने लिखी है, जिसको बाद में मार दिया गया, जिसकी वजह से 65 के हमले में काफी हमें इन्फॉर्मेशन मिली। मुझे तो किताब पढ़कर इनफैक्ट ऐसा भी लगा, मैं मर्ज कर देता हूँ क्वेश्चन, कि उसके बाद ही, इन्हीं 65 के बाद खासतौर से, लड़ाइयों के बाद ही शायद पाकिस्तान को रियलाइज हुआ कि उसे इंसर्जेंसी करनी पड़ेगी, उसे कश्मीर के लोगों को बदलना पड़ेगा। इस क्षेत्र को अच्छे से जानते हैं आप, पर्सनली चीजों को देख भी चुके हैं फर्स्ट हैंड। भारतीय स्टेट की ये कितनी बड़ी असफलता है कि जिन लोगों ने उनकी समय पर भी मदद की, छोड़ दीजिए आम नागरिक एक मिनट के लिए, उनको भी हम बचा नहीं पाए। पद्मश्री विजेता था वो व्यक्ति, लेकिन उनको बचा नहीं पाए, ये कितनी बड़ी असफलता है। ये बहुत अहम सवाल है शार्दुल, और इस सवाल को हम बार बार, मैं कम से कम उठाता आ रहा हूं। ये एक स्टेट का कोलोसल फेलियर है कश्मीर, वो ये कि हमारे यहाँ कश्मीरी पंडित समुदाय के बहुत ही एक इम्पोर्टेंट राइटर हैं जो हिंदी में लिखते हैं, महाराज कृष्ण संतोषी साहब, उनका एक कहानी का संकलन है, फिरन में छिपाए तिरंगा। तो उनके कहने का मतलब है, वो है कि उन आदमियों के साथ जो अब कश्मीर में इतना सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट के बीच में भारतीय तिरंगे को अपने फिरन में छिपा के रखा उन्होंने, उसकी सुरक्षा जो है इंडियन स्टेट नहीं कर पाया। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कश्मीर में, और ये बार बार वही बात आती है कि ये बार बार, जब से इंसर्जेंसी भी शुरू हुई है 90 के दशक से, ये हमेशा एक इंडियन स्टेट का फेलियर रहा है कि जो आदमी उसके हक में कश्मीर में खड़े होने के लिए तैयार है या तैयार हुए, उनको कभी भी भारतीय स्टेट सुरक्षा नहीं दे पाया, उसको उन्होंने एक तरह से फॉर ग्रांटेड ले लिया। उसके उसके एवज में आप देखें, उसके उसके कंट्रास्ट में आप देखें, जिन लोगों ने कश्मीर में भारतीय स्टेट के इंटरेस्ट को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया, उनको आप Y++ सिक्योरिटी, Z+ सिक्योरिटी, तरह तरह के प्रलोभन, तरह तरह की फैसिलिटीज देते आए, वो आपके बिल्कुल मेहमान बनकर रहे,
कोई भी प्रधानमंत्री हो, मनमोहन सिंह सरकार हो, उन्होंने भी यासिन मलिक से, एक ऐसा आदमी जिसने एयरफोर्स के 4-5 लोगों को मार दिया जिसमें एक स्क्वाड्रन लीडर भी शामिल है, किसी भी छोटे से छोटे वीक देश में भी एक ऐसे आतंकवादी को तुरंत सजा मिल जाती, लेकिन वो 30 साल तक वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट घूमता रहा, उसको पाकिस्तान जाने की इजाजत मिली, उसको पाकिस्तान में शादी करने की इजाजत मिली, वो वापस भी आया, उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के साथ खड़े होकर फोटो भी खिंचवाई, हाथ भी मिलाया। तो इस तरह के ये जो एक माया जाल कश्मीर में हमेशा इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा चलता गया, ये एसेट बिल्डिंग के नाम पे, इसने भी कश्मीर को बहुत नुकसान पहुंचाया। और इसीलिए आज आप देखेंगे कि नई दिल्ली की पॉलिसी का ही ये परिणाम है कि कश्मीर में आज कोई भी जो भारत के लिए ओपनली बोलने के लिए तैयार है, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली आपको कह सकता हूं कि एक बहुत बड़ी साइलेंट मेजोरिटी में से, हमेशा अपने साक्षात्कारों में भी कहता हूं, एक बड़ी बहुत साइलेंट मेजोरिटी है जिसको भारत के प्रति शायद कोई प्रेम ना हो, लेकिन वो इतने समझदार जरूर है कि उन्हें मालूम है कि कश्मीरियों का मुस्तकबिल जो है, भविष्य जो है, वो सिर्फ भारत के साथ है। लेकिन उसके लिए वो भारत के लिए ओपनली सपोर्ट में आना चाहते हैं, लेकिन वो अपने पुराने एक्सपीरियंस से देखते हैं कि जब भी स्टेट, इंडियन स्टेट के फेवर में जो भी वहां खड़ा हुआ है, उसको सीने पे गोली खानी पड़ी और स्टेट उसकी सुरक्षा करने में मैक्सिमम केसेस में नाकाम हुआ है। तो इसीलिए भारत स्टेट के फेवर में वहां खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। भारतीय स्टेट की आंख मूंदने वाली बात हमने की, तो मैं एक और सवाल बाद में पूछना चाहता था, पर ये यहीं पूछना बेहतर रहेगा। इस किताब में मौत के सौदागर एक बोने की बात है और नूर तंत्रे और उसके आतंकी वफादारी को एजेंसियां क्यों नहीं समझ सकी, ये भी एक फेलियर। ये आश्चर्य की बात है, मेरे जैसा व्यक्ति जिसने कभी चीजों से वास्ता नहीं पड़ा, जिसको हमेशा सेकंड या थर्ड हैंड नॉलेज रही है, जैसे आपकी किताब। लेकिन आपके व्यक्तिगत अनुभव है, आपके आसपास निश्चय बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके व्यक्तिगत अनुभव, नूर तंत्रे जैसे आदमी पर एजेंसियां कैसे भरोसा कर सकी, क्योंकि उसकी हिस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको करना चाहिए कि ये भरोसे करने लायक आदमी है। देखिए, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। हालांकि काउंटर इंसर्जेंसी की दुनिया में होता ये है कि इंटेलिजेंस एजेंसियां इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती हैं। yes. उन हथकंडों का एक इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ये होता है कि आप किसी मोल या इन्फॉर्मर को दूसरी साइड में भेज दें। लेकिन ये भी कोई रेयर चीज नहीं है कि कई बार ये इन्फॉर्मर जो है डबल क्रॉस करता है, ट्रिपल क्रॉस करता है, और तरह तरह की चीजों से इंटेलिजेंस एजेंसी को जूझना पड़ता है। पर नूर तंत्रे जो है, इसके संदर्भ में आश्चर्यजनक बात यह है कि ये इतना भाग आदमी है और बार बार इसने इंटेलिजेंस एजेंसी को धोखा दिया है। 2003 में गाजी बाबा के मरने के बाद इसकी गिरफ्तारी भी हो जाती है और स्पेशल सेल, तरह तरह के दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है, वो उसे पूरी इंटरोगेशन करती है और उसे पता चलता है कि वो बीजेपी का जो हेडक्वार्टर मुख्यालय है उसके बाहर एक चाय की ठेला लगाना चाहता था और उससे वहां दोस्ती करता और उसके बाद वो बीजेपी के शीर्ष नेताओं को मारना चाहता, तो इस तरह का खतरनाक आदमी था। उसको वहां से तिहाड़ से सेंट्रल जेल श्रीनगर लाना, ये कौन लाया, किसने इस तरह के आदेश दिए, इसका कभी खुलासा नहीं हुआ। और उसके बाद उसको परोल पर छोड़ने की पेशकश करना और उसको छोड़ना, और उसके बाद नूर त्राली वो आदमी है जिसने, क्योंकि जब आप किताब में पाएंगे कि mid-2000 जो है उसमें जैश बहुत कमजोर स्थिति में आ जाता जी। जैश का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासकर गाजी बाबा के मरने के बाद, वो ध्वस्त कर देती है जम्मू कश्मीर पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी, खत्म कर देती है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे छूटने के बाद जो है नूर त्राली और आशिक नेगरू जैसे लोग, ये जैश को फिर से जिंदा कर देते हैं। और चूंकि गाजी बाबा ने उनको एक तरह की ट्रेनिंग दी है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ट्रेनिंग, तो तुरंत बहुत जल्दी वो चीजें खड़ा कर देते हैं। और उसके बाद उमर फारूक जैसे लोग आते हैं, कमांडर आते हैं, एक के बाद एक कमांडर आते हैं, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर उसी हद तक फिर खड़ा हो जाता है और उसका रिजल्ट अल्टीमेटली पुलवामा सुसाइड अटैक होता है।
ये कभी पता नहीं चल पाए नूर त्राली तंत्रे के छोड़ने की बात, उसको पैरोल देने के डिसीजन में कहां कहां गलतियां हुई, इसको कभी देखा नहीं गया। देखिए ये तो सरकार पर निर्भर है कि इस तरह इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कोई जांच एजेंसी कोई इस पर बिठानी चाहिए, लेकिन ये चूंकि ये स्मोक एंड मिरर्स का ऐसा मायाजाल होता है और इसमें ऐसी क्लासिफाइड चीजें होती हैं, और मैं कश्मीर के संदर्भ में हमेशा वो कहता हूँ कि तब कल्पना से भी परे है ये काउंटर इंसर्जेंसी की दुनिया, इतनी बारीक महीन और इतनी मायाजाल इसका ऐसा ताना बाना इतना बुना हुआ होता है कि इसकी चीजें इसके सिरे हमको पता नहीं चलते। लेकिन कोई भी जिम्मेदार जो स्टेट है वो इस बात की तहकीकात जरूर करेगा कि ये चूक हुई तो कहाँ हुई, अगर इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन हुई भी है मुझे कम से कम उसकी जानकारी नहीं। मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि एक बात जो बुक में ज्यादा डिस्कस नहीं हुई क्योंकि उसका विषय से संबंध उतना नहीं था, लेकिन मेरी नजर में एक एमेच्योर की तरह ही, एक पत्रकार की तरह ही, कि ये भी एक बहुत बड़ी गलती थी। गाजी बाबा को जब उसके एनकाउंटर की बात आती है, जब वो मारा जाता है, उसका साथी भी मारा जाता है, उसकी पत्नी को वो देख लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसके ऊपर कोई वॉच नहीं रखी गई, उसे मॉनिटर नहीं किया गया और वो सीमा पार करके उधर चली गई और फिर से किसी की पत्नी है। ये लापरवाही कई कई स्तर पर होती रही है कश्मीर में। मुझे तो ये भी बताया गया है, हालांकि मैं इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने बताया कि वो जिस मकान में गाजी बाबा पाया गया और मारा गया, वो मकान फिर से बनाने में सरकार ने मदद भी की है, और ये जो आदमी था एक सरकारी मुलाजिम था, उसका बेटा फिर इन्हीं कामों में संलिप्त पाया गया कई मामलों में। तो होता क्या है, और ये अभी भी जो काउंटर इंसर्जेंसी की जो लिमिटेशन है वो यही है कि आपका वो जो कहते हैं कि वो चिड़िया की आंख जो आपकी होती है वो ये होती है कि आपने उस टाइम आतंकवादी को मार दिया और मारकर आप निकल गए, लेकिन उसके पीछे क्या होता है, उसके पीछे किस तरह की इन्वेस्टिगेशन होती है, ये जानना कि आदमी कौन है, इसको शरण किसने दी, ये आदमी जिसके घर में ये हाइड आउट था उसका क्या हुआ, उसका बेटा फिर से जैश की मदद कैसे करने लगा, ये जो महिला थी जी, इसकी कश्मीरी बीवी सादिया जी, ये पाकिस्तान कैसे चली गई, इसको कौन ले गया पाकिस्तान और सुरक्षित पाकिस्तान ले गया अपने अपने बच्चे के साथ, और जैश के लीडर से फिर शादी हो गई, जैश के लीडर से फिर वहां शादी की। उसके बाद अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो 2006 में गाजी बाबा के एक भाई वहां मारा जाता है, उसमें भी शक ही है कि कुछ जैश के लोगों से उसकी कुछ अनबन होगी और उसके बाद उसको मारा जाता है, और उसके बाद सादिया जो है अपने इस बच्चे को लेकर वहां से चली जाती है और दूसरी शादी कर लेती है किसी जैश के किसी बड़े कमांडर के साथ। तो ये कमजोरी कमजोरी रहती है। अब जैसे आशिक नेहरू का मैं जिक्र कर रहा था जी, आशिक नेहरू वो आदमी है, ये भी एक तरह का इन्फॉर्मर है, इसको भी कोई ना कोई इंटेलिजेंस एजेंसी वहां इस्तेमाल करती है जी। लेकिन उसके हैंडलर को ये नहीं पता कि वो उनको बासी खबरें देता है, वो उस तरह की खबर देता है जिससे जैश को बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, जो कोई आतंकवादी ऑलरेडी ओपन है एक्सपोज है उसके बारे में वो बात करके उनको थोड़ा सा खुश रखता है, लेकिन असल में वो जैश के लिए काम करता है। और 2016 और 17 के बीच में उसकी इतनी हिम्मत होती है और उसका इतना नेटवर्क होता है कि वो अपनी ट्रक खुद ड्राइव करके और तरह का नेटवर्क इस्तेमाल करके 33 जो बहुत ही अत्याधुनिक प्रशिक्षण प्राप्त जो जैश के लोग हैं इंक्लूडिंग उमर फारूक जिसने इसको पुलवामा के अंजाम दिया, उन लोगों को उस इंटरनेशनल बॉर्डर से जहां से वो टनल क्रॉस करते सांबा जैसे जगहों से उनको सकुशल पूरा जम्मू का नेशनल हाईवे 300 किलोमीटर की दूरी क्रॉस करने के बाद उनको सकुशल साउथ कश्मीर पहुंचा देता है, और इसके बारे में इंटेलिजेंस एजेंसीज को पुलिस को किसी भी तरह की भनक नहीं लगती। तो ये भी अपने आप में बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, और मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जब पुलवामा हमला हुआ तो तरह तरह के सोशल मीडिया आपको मालूम है किस तरह काम करता है जी, जिसके मन में जो आता है वो उसके मतलब जो ख्याल पहले सोशल मीडिया के आने से पहले आप अपने भाई को बोलने में कतराते रहे हो, आप यू नो एक्सपर्ट सब बोल देते हैं कि नहीं साहब ये था कि इंटेलिजेंस तो बहुत ही
लेकिन मोदी सरकार ये चाहती थी कि वो घटना हो और उसके बाद जो है वो जीते। अरे मतलब आप कुछ तो दिमाग लगाइए, ये एक किसी भी सरकार के लिए ये पॉलिटिकल डिजास्टर था कि चुनाव से यू नो कुछ ही हफ्ते पहले, कुछ ही दिन पहले आपकी इतनी बड़ी चूक हो जाती है और 40 जवान आपके मारे जाते हैं जो देश के तमाम हिस्सों से आए हैं। कोई बैंगलोर से आया है, कोई यूपी से आया है, कोई एमपी से आया है, कोई पंजाब से आया है, और इन सबके बॉडी बैग कॉफिन वापस जाएंगे। तो इसमें मोदी साहब की जीत कैसे होती है? और ये जैश बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है जैश ये करवाना ही चाहती थी कि मोदी सरकार को नुकसान पहुंचे। लेकिन ये बड़ा आश्चर्यजनक है और मैं बार बार ये कहता हूँ कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट को ये प्रक्रिया समझने की कोशिश करनी चाहिए। कभी मैं तो नहीं समझ पाया कि ये कैसे हुआ, क्योंकि मुझे याद है कि मैं पुलवामा के बाद ही बिहार का दौरा कर रहा था और मैं बार बार लोगों से वहां पूछ रहा था चुनाव से पहले कि ये तो बड़ा डिजास्टर था। तो आपको आप कह रहे हैं कि मैं मोदी सरकार को वोट दूंगा प्रतिशोध का? हाँ, प्रतिशोध का। तो यही एक वो स्ट्रॉन्ग लीडर की छवि जो उनकी थी वो इस तरह की थी। लेकिन उससे पहले ये मोदी सरकार को नहीं मालूम था कि इंटेलिजेंस जो हम आमतौर पर कहते हैं, इंटेलिजेंस बहुत ही जनरलाइज इंटेलिजेंस होती है। जैसे हम यहाँ देखते हैं दिल्ली पुलिस 26 जनवरी और 15 अगस्त के पहले IB कुछ बोल देती है कि हमला होने की संभावना है। ये तो बहुत ही जनरल है, यू नो। जैसे मैं कहूंगा कि शार्दुल आप न्यूज लॉन्ड्री के दफ्तर से बाहर जाएंगे, खुदा ना खास्ता यू नो एक गाड़ी के टक्कर मारने की संभावना है। ये संभावना तो कहीं भी हो सकती है ना, कहीं बाहर जा सकते हैं ट्रैफिक में ऐसा। लेकिन मैं आपको एक्शनेबल इंटेलिजेंस ये है कि मैं आपको कहूंगा कि शार्दुल आप 5 बजे अमूमन निकलते हैं और 5 बजे B126 से एक गाड़ी निकलेगी जिसका नंबर ये होगा, ये आपको टक्कर मारने की फिराक। ये एक्शनेबल इंटेलिजेंस है, इसके आधार पर आप अपना बचाव कर सकते हैं जी। पर ये जनरलाइज नहीं है कि मैं आपको कहूंगा आपको कहीं भी गाड़ी टक्कर मार सकते हैं। आप वहां से 50 किलोमीटर दूर रहते हैं, 20 किलोमीटर दूर, कब तक आप उसको देखते रहेंगे? ये संभव नहीं। मैं अगला सवाल पूछूं, मैं उससे पहले दर्शकों को बताना चाहता हूं, जिन दो किरदारों की बात अभी हम कर रहे थे, विश्वास रखिए जिस जिसने वो बहुत मशहूर टीवी सीरीज ब्रेकिंग बैड देखी है, उसमें जो ड्रग कार्टेल्स के काल्पनिक वो दिखाए गए हैं, इसमें वही हरकतें हैं जो राहुल अभी समझा रहे थे, वो लिटरली वैसी हरकतें उस टीवी सीरियल में हैं। ये इतनी रोचक किताब है, मैंने पहली बार ऐसा देखा। लेकिन इससे कई चीज भी सामने आती है। एक तो ये कि इसमें एक देहरादून के एरोनॉटिकल इंस्टीट्यूट के छात्र का जिक्र था जो पहुंचाते हैं, या फिर अस्पताल की कैंटीन में जो हैंड ग्रेनेड बांट रहा था। अगर ये नेटवर्क इतना परवेसिव है, और इससे जुड़ी एक बात और, जैसे कि भारतीय स्टेट की हम बात कर रहे थे, जब इंटरनेट कटने की बात आप करते हैं कि वो सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन उसका एक कॉनोटेशन भी काफी सुनने को मिला जो आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। इसके बीच में कुछ बैलेंस हो भी सकता है क्या इन दोनों चीजों के बीच में? एक तरफ इतना वेल एनथ्रॉल्ड, इतना गहरे तक गया हुआ नेटवर्क, सुरक्षा एजेंसियों को जो टूल चाहिए जैसे इंटरनेट का काटना जिसके बिना रुक नहीं सकता था, लेकिन उसकी वजह से होने वाली आम लोगों को परेशानी, इनके बीच का सामंजस्य कैसे बने? देखिए आज की दुनिया में जो दुनिया इतनी कनेक्टेड है, और जैसे पुराने जमाने में हम कहते थे रोटी कपड़ा और मकान जी, और आज के संदर्भ में हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट। आप उस जनरेशन की बात कर रहे हैं जब वो 5 मिनट के लिए कभी व्हाट्सएप डाउन हो जाता है तो एकदम दिल में कुछ बेचैनी सी हो जाने लगती है कई लोगों को। उन लोगों का उनकी जिंदगी रुक गई है और वो तमाम तरह के ट्वीट करते हैं कि इज योर व्हाट्सएप डाउन, इज योर व्हाट्सएप डाउन। लगता है कि कुछ उनका दिल किसी ने निकाल के कहीं और रख दिया और वो एकदम बेचैनी छा जाती है। तो ये एक फंडामेंटल राइट है, इंटरनेट एक्सेस टू इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट है जिसे आप नहीं रोक सकते। अब एक बहुत ही अभूतपूर्व एक्सेप्शनल केसेस में जैसे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 किया और उसके बाद आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए आपको इंटरनेट काटना पड़ा, वो एक काउंटर जो उस एरिया को क्लोजली जानता और मॉनिटर करता और मुझे मालूम है किस तरह के चैलेंजेस उस वक्त पेश आ रहे थे, तो मैं उसको जायज ठहराता हूँ और उस टाइम मैंने कहा भी था। लेकिन एक एक्सटेंडेड टाइम तक उसको काटना और बार बार किसी भी प्रीटेक्स पर लेकर उसको काटना, ये किसी भी डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए। और इसके अल्टीमेटली आपको यही करना पड़ेगा कि इस पर निर्भर करना बंद कर दीजिए कि आप इंटरनेट काटकर किसी भी तरह का डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन रोक सकते हैं। ये कभी आप 5-10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए कोई और किसी एरिया में ऑपरेशन चल रहा है वहां पर काट सकते हैं, वो अलग बात है।
लेकिन इसको इतने एक्सटेंडेड टाइम के लिए काटना मुझे नहीं लगता कि भारत जैसी स्ट्रांग डेमोक्रेसी को, भारत जैसी स्ट्रांग स्टेट को इस तरह की हरकतों पर निर्भर रहना चाहिए। और वो जो तंत्र इतना अंदर तक गया हुआ है उसका क्या हो सकता है? देखिए तंत्र तो आपको तोड़ना पड़ेगा, तंत्र इसलिए भी ये चीजें बनती हैं क्योंकि बार बार लगातार आप वही गलतियां कर रहे हैं जो आजादी के बाद से हुई। ये मैं बार बार कहता हूँ और मुझे अब बार बार कहना भी अच्छा नहीं लगता है ये, लेकिन मुझे बार बार इस चीज को रिपीट करना पड़ता है कि आपने कश्मीरियों के दिलों में एक स्किज़ोफ्रेनिया पैदा कर दिया। और इस शब्द का मैं इस्तेमाल बहुत ही जिम्मेदारी से करता हूँ, हमेशा करता रहूंगा, कि आपने कश्मीरी मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स को इस तरह की एक छूट दी कि वो नई दिल्ली आकर एक भाषा में बोले और जब वो कश्मीर जाते हैं तो एक अलग भाषा में बोले। तो इससे कश्मीरियों के मन में एक व्यवधान पैदा हुआ, उनको एक ड्यूअलिटी हुई कि उनको समझ नहीं आया कि वो भारत का हिस्सा है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। जब आप कोई जमात इस्लामी जैसी पार्टी खुलेआम किसी पॉलिटिकल लीडर की शह प्राप्त करके कहती है पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह जी, तो इस तरह की जब वो सुनते हैं और जब इस तरह के इंसिडेंट वो देखते हैं कि जेलों में 5 नकाबपोश आदमी आ गए और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसी उनकी हिम्मत होती है दिल्ली के हार्ट में इस तरह की बात करते, तो एक जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज हैं वहां पर उसको उनको उनको बहुत प्रोत्साहन मिलता है। एक बहुत ही डेकोरेटेड जनरल है आर्मी के, उनकी बात होती थी कश्मीरियों के बारे में, वो अंग्रेजी में कहते थे कि कश्मीरीज आर ऑलवेज ऑन द विनिंग साइड। कश्मीरी की साइकी ये है कि वो ये देखना चाहते हैं कि डोमिनेंट फोर्स कौन है सोसाइटी। डोमिनेंट फोर्स जब उनको ये लगता है कि एक पठानी सूट पहने और एक एम्यूनिशन वेस्ट पहने, मस्त गुल जैसे लंबे बाल करके हवा में फायरिंग करने वाला आदमी, शेख गोयरा जैसी उसकी इमेज है और वो आ रहा है और कई नौजवान उनके घुटने पकड़ के ऐसे पीर साहब की तरह उसको देख रहे हैं, तो उनका पूरा ग्लैमर, उनकी जो पूरी वीकनेस उस तरफ चली जाती है कि यही आदमी है, यही हमारी जिंदगी चल रहा है। उसके बाद जब एक वो इमेज देखते हैं कि भारत सरकार ने पूरा कंट्रोल कर लिया है और सब कुछ उनके कंट्रोल में है और जो भी इंटरनेशनल एक्टिविटी वहां अनलॉफुल एक्टिविटी करता है वो यासिन मलिक जैसे आदमी जेल में है, तो एक बहुत ही साफ मैसेज जाता है कि अगर आप किसी भी आतंकवादी घटना में संलिप्त हैं तो आपको इंडियन स्टेट भक्षेगा नहीं। तो एक अलग तरह का सेंटिमेंट वहां पैदा हो जाता है। लेकिन अगर यही सरकार फिर वही गलतियां कर रही हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद आपने कुछ लोगों को गुपकार गैंग की उपाधि दे दी, तो गुपकार गैंग का क्या मतलब हुआ? आपने कहा कि एंटी नेशनल लोग हैं और आज फिर वो 2 साल के बाद उन्हीं इंटरनेशनल तथाकथित इंटरनेशनल गुपकार गैंग के लोगों को बुलाकर आपने उनके साथ बातचीत की, तो फिर वही कंफ्यूजन की स्थिति फिर पैदा हो रही है कश्मीर में कि ये लोग चाहते क्या है। अगर पीडीपी से ही बातचीत करनी थी तो फिर उनकी सरकार क्यों तोड़ी? अगर पीडीपी से ही बातचीत करनी थी तो फिर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 क्यों हुआ? अगर पीडीपी से ही बातचीत करनी थी तो उनको गुपकार गैंग क्यों बोला? कम से कम वो कहते हैं कि दोस्ती में कम से कम इतना तो स्पेस छोड़ना चाहिए कि जब आप कहीं मिले तो नजर से नजर मिलाएं। तो जब आपने किसी को गुपकार गैंग कर दिया, मतलब मैं समझता हूँ कि भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में खासकर एक फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत ऑप्शन रहता है, लेकिन इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कश्मीर के संदर्भ में, ये फ्लेक्सिबिलिटी मैंने देखा है कि मैंने पाया है एक एज अ स्टूडेंट ऑफ कश्मीर, ये बहुत खतरनाक स्थिति उत्पन्न कर दी। और यही वो खतरनाक स्थिति है जो पुलवामा जैसी घटनाओं का परिणाम उसको जन्म देती है। भारतीय राजनीति आप कह रहे हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लेस पे काम करती है जी। एक तो मैं सवाल पूछने से पहले सोच रहा हूँ कि सब कुछ देखने वालों को केवल इस इंटरव्यू से पता ना चल जाए, लेकिन एक इस किताब में जिसका आपने पहले जरा सा जिक्र किया था लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया, किताब में मंजर आता है जब डॉक्टर और सीआरपीएफ के अफसर, डॉक्टर खान और सीआरपीएफ के अफसर, जहां पर ये गाड़ी ने टक्कर मारी होती है, जहां पे विस्फोट हुआ होता है, वहां पहुंचते हैं, वो दृश्य आपने कई आंखों से बयान किया है किताब में,
जब आपने उन लोगों से बात की, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी भूल सकता है और भूलेगा भी नहीं, लेकिन उन लोगों का अपने काम के बारे में भी कभी नजरिया बदला क्या? मैं इसे इस संदर्भ में पूछ रहा हूं, देखिए डॉक्टर काम करते हैं और सीआरपीएफ के लोगों को ही मालूम है कि हमला होने वाला है, लेकिन इतना विभत्स नजारा जिसमें आप शवों को शक्ति विक्षेप देख रहे हैं दूर दूर तक पड़े हुए कहीं खंभे के ऊपर, बाद में वो चाबी भी मिलती है आगे गांव में, लेकिन वो दृश्य जब आपने इन लोगों से बात की, क्या आपको लगा कि ये लोग कभी उससे उबर पाएंगे? देखिए, ऐसे दृश्यों को भुला पाना असंभव होता है और ये हमने हमेशा किसी भी थिएटर ऑफ इंसर्जेंसी में पाया है। क्योंकि सैनिक को एक तरह की ट्रेनिंग तो जरूर होती है, लेकिन ट्रेनिंग के अंत में वो एक आदमी होता है, ही इज अ ह्यूमन बीइंग, और उसकी भी उसी तरह की इमोशंस हैं, उसी तरह के इश्यूज हैं, उसी तरह का ट्रॉमा है जो किसी भी आम आदमी को हो सकता है, और रोजमर्रा की जिंदगी में भी उसको एक स्ट्रेस होता है जब उसको मालूम है कि इस तरह की घटनाएं इतनी बढ़ रही हैं और कहीं उस पर फायर हो सकता है, और वो एक हॉस्टाइल कंडीशन में बाजार के बीचों बीच खड़ा है और कोई भी आकर उस पर फायर कर सकता है या ग्रेनेड फेंक सकता है, तो एक वो स्ट्रेसफुल अवस्था हमेशा हो। उसके बाद जब वो इस तरह का विभत्स दृश्य देखता है, जब ये दिल दहलाने वाला दृश्य देखता है कि जब उसके इतने कॉमरेड जो हैं, उनके जो साथी हैं जो एक साथ बसों में बैठे, अभी कुछ घंटों पहले तक हंसी मजाक कर रहे थे, वो खाना खाने रुके और तरह तरह की चीजें हुई, वासुदेव एक सिपाही उस बस में थे और उसके बाद वो उतरे एक जगह और भूल से दूसरी बस में बैठ गए और इस तरह की चीजें हुई, और उसके बाद जब वो धमाका होता है और चारों तरफ छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स और इतना वो फैल जाता है, वो चीज वो कभी भुला नहीं पाएंगे। और इसीलिए मैंने वो देखा, जब वो उनसे एनआईए पूछताछ करने की कोशिश करती है, वो ट्रॉमा इतना सीवियर होता है कि उस बस के पीछे भी जो कई लोग थे उनको याद ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। और मेरी कुछ लोगों से वहां बात हो रही थी जब मैं किताब लिख रहा था, और उन लोगों से जो उस घटनाक्रम को देखे, उन्होंने आई विटनेस थे, उनसे उन लोगों की अभी भी बात होती है, उनका एक तरह से मानसिक उसका एक टेस्ट होता रहता है कि वो किस तरह की स्थिति से गुजर रहे हैं। सीआरपीएफ वो एनेबल करती किसी भी रिस्पॉन्सिबल फोर्स की तरह, तो वो चीजें मुझे बताया गया कि उनको अभी भी बहुत ट्रॉमेटाइज कर रही है, कम से कम कुछ लोगों को, और वो कभी भुला नहीं पाएंगे। तो एक वो पीटीएसडी की अवस्था जो होती है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की, इसको अपने दिल से निकालना, अपने दिमाग से निकालना, अपने जहन से निकालना बहुत मुश्किल। राहुल, मैं केवल उनके नहीं, मैं एक स्पेसिफिक सीआरपीएफ अफसर की बात कर रहा था जिनके बारे में आप कहते हैं कि वो सिगरेट का डब्बा छोड़ ही नहीं पाए कई दिन तक, और मैंने उनके नजरिए से मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि हम पत्रकार अधिकतर चीजों को उन्हीं के नजरिए से देखते हैं, हम उसका पार्ट नहीं होते, हम अलग अलग जाके उसको देखते हैं। मैं जानना चाहता था, कभी इस तरह के अफसर नहीं आया, उन्होंने आपसे कभी अपने काम को क्वेश्चन किया प्राइवेट कन्वर्सेशंस में? देखिए, हमेशा होता है, क्योंकि ये सिगरेट पीने की अवस्था भी, ये जिन साहब की मैं बात कर रहा हूँ उनका नाम नहीं लूंगा, पर बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है, बहुत ही अच्छे ऑफिसर है, जिनका तरह तरह के काउंटर इंसर्जेंसी थिएटर्स में उनका काफी अनुभवी ऑफिसर है, लेकिन कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं और इसमें किसी की इंटेलिजेंस फेलियर तो एक लेवल पे है, लेकिन एक लेवल पे जैसा हम काउंटर इंसर्जेंसी की भाषा में कहते हैं कि जो एजेंसीज हैं, सुरक्षा एजेंसीज हैं, उनको कामयाब होने के लिए 10 में से 10 आतंकवादी जो इवेंट्स अटेम्प्ट होते हैं उनको डिफ्यूज करना है, लेकिन आतंकवादी को 10 में से 1 में ही कामयाब होना पड़ता है, और इसमें वो कामयाब हुआ, तो कहीं ना कहीं जब वो सिगरेट पी रहे तो नीचे नहीं रख पा रहे थे और वो रो रहे थे, फुट फुट के रो रहे थे जी। तो एक तरह की जिम्मेदारी का एहसास भी होता है, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ दिस मैन, इन लोगों ने आपके साथ काम किया होगा कहीं ना कहीं इस थिएटर में, और उस तरह का जो भयानक मंजर है, जैसे एसपी पानी साहब हैं जो उस टाइम आईजीपी कश्मीर थे, वो भी एक बहुत ही सीजनड ऑफिसर हैं, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में भी हेडली जैसे आतंकवादियों को उन्होंने इंटरोगेट किया है, बहुत ही सीजन पुलिस ऑफिसर, लेकिन वो भी इतने भावुक हो जाते हैं कि उनकी आंखें नम हो जाती हैं,
जी तो ऐसे मामले में बहुत ही, जैसे उर्दू में कहते हैं, एहसास कमतरी होता है कि लगता है कि मतलब मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, हालांकि उनकी कोई डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। वो उसमें क्या कर सकते हैं आप, किसी गिल्टी कॉन्शियस, किसी आतंकवादी, हाँ एक गिल्टी कॉन्शियस आ जाता है कि, और कई बार सर्वाइवर्स गिल्ट भी हो जाता है, हालांकि वो उस घटनास्थल पे नहीं थे, लेकिन उनको लगता है, कई सारे जो सर्वाइवर्स हैं, वासुदेव जैसे लोग हैं, उनको लगता है कि मतलब मैं भी इस गाड़ी में था, मैं भी शायद मर जाता इस गाड़ी में, लेकिन मेरे साथ ही मारे गए। तो इस तरह के कई सारे ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं इमोशन की, इससे एक सिपाही को, एक फौजी को, एक सैनिक को जूझना। एक चैप्टर नंबर 8 इस किताब का है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि ईमानदारी से मैं बताता हूं, मुझे लगा मैं सवाल जैसे भी फ्रेम करूं वो कुछ स्पॉइलर सा हो जाएगा। तो चैप्टर 8 मोबाइल फोन के बारे में आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं, मुझे पर्सनली वो सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर लगा बुक का। एक स्टेज आता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जब इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक स्टेज ऐसा आ जाता है कि वो उन्हें कोई सिरा नजर नहीं आता इस इन्वेस्टिगेशन का। जो छोटे प्लेयर्स इस घटनाक्रम में शामिल हैं, अतुल अहमदार तो मारा गया, 15 मिनट के बाद उसकी वीडियो रिलीज हुई कि मैं इस घटना के लिए जिम्मेदार हूँ, मैं ये सुसाइड बॉम्बर हूँ, वो तो खत्म हो गया। उसके बाद वो गाड़ी जिसने खरीदवाई, वो आदमी मारा जाता है एक एनकाउंटर में। जी जिसने जिलेटिन स्टिक्स खरीदी थी वो शायद इसमें इस्तेमाल हुई हो, ये भी पूरा NIA को इल्म नहीं है, लेकिन वो ये मान के चल रही है और वो मारा जाता है। लेकिन एक स्टेज के बाद एक डेड एंड आ जाता है, और उस डेड एंड से कैसे निकले, ये एक NIA के लिए बड़ी चुनौती है। और इसीलिए NIA के इन्वेस्टिगेटर जो हैं राकेश बलवल, वो उस वक्त अपनी समझ और सूझबूझ का सहारा लेते हुए अपने साथियों के साथ वो ये कहते हैं कि हमें और भी कई सारे क्लूज पे काम करना पड़ेगा। राकेश बलवल ही वो अधिकारी है जो पहले भी इसी सूझबूझ के सहारे, वो एक बहुत अहम एविडेंस उनको मिलता है घटना के कुछ दिनों के बाद ही, जो लोगों को किताब में पढ़ना चाहिए, उसके बाद वही उसी समझ और सूझबूझ का सहारा लेते हुए वो इन जो पुरानी कुछ घटनाएं हैं, जो जैश के एनकाउंटर्स हैं, उनको खंगालना शुरू करते हैं। और उस खंगालने में उन्हें एक अहम एक चीज मिलती है जिसके बारे में उन्हें कोई इल्म नहीं है कि इसमें क्या है या नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि कुछ एक इमेज वो देखते हैं, एक फोटो वो देखते हैं, और उस फोटो में उन्हें कुछ अटपटा लगता है। और उनको जैसे वो हिंदी उपन्यास में लिखते हैं कि उनका माथा ठनकता है, और वो उनको लगता है कि इसमें मुझे जाना चाहिए। एक एबल इन्वेस्टिगेटर की पहचान ये होती है कि वो छोटे से छोटे क्लूज को देखता है, जहां तक किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं करता, और यही इन्वेस्टिगेशन को अनरावल करती है। यही जो चीज है वो NIA इन्वेस्टिगेटर्स के काम आती है। और इस तरह लगता है कि कैसे कोई अदृश्य शक्ति, कोई डिवाइन इंटरवेंशन है, कोई ईश्वर है जो इन्वेस्टिगेटर्स को उस दिशा में ले जाना चाहती, इस तरह की फीलिंग आती है। हालांकि डिवाइन इंटरवेंशन तो है ही, पर साइंटिफिकली इतनी समझ और सूझबूझ और हार्डवर्क इसके पीछे गई है, और अल्टीमेटली वही जो चीज वहां से मिलती है उससे काफी चीजों का खुलासा होता है। और उसके बाद केस धीरे धीरे, उसकी परतें जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स केस है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स परतें हैं। जैसे आदिल अहमद डार है, जब उसका कन्फेशनल वीडियो देखते हैं जिसमें वो कहता है कि पश्चिमी सभ्यता के खिलाफ बोलता है, भारत को गौमूत्र पीने वाला देश बोलता तथा इत्यादि इत्यादि, उसमें NIA को लगता है कि ये बोल सामने शक्ल तो इसकी दिख रही है पर आवाज किसी और की। जी, इस तरह की चीजें उनको मिलती है, और धीरे धीरे ये चीजें उसी सबूत से, उसी सूझबूझ से वो धीरे धीरे अनरावल होती हैं, और उसके बाद वो केस का खुलासा पूरी तरह से होता है। मैं इसके बारे में एक बात और कहना चाहूंगा दर्शकों से, राहुल ने भी जो नहीं बताई आपको बात, कि छोड़ दीजिए और चीजें, इस फोन में इतनी वाहियात चीजें भरी थी कि उसकी जांच करने के लिए कितनी पेशेंस चाहिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो इसलिए सुरक्षा बलों का काम इतना आसान भी नहीं है, खास तौर से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का। एक किरदार और है बुक में, और सिर्फ किरदार नहीं, मतलब एक जो रूपरेखा है, एक कैरिकेचर, कि जब ये लोग ब्रेन वॉश होकर आते हैं विभिन्न कैंप से, चाहे वो LOC से हो या अफगानिस्तान से भी ट्रेनिंग लेकर आए हों,
जो बहुत बैटल हार्डेंड थे, जब वो कलकत्ता से गुजरता है और उसकी आंखों से एक तरह का पर्दा हटता है जिसमें कहा है कि भाई यहाँ पे तो हर तरफ हिंदू हैं लेकिन तब भी अजान आ रही है, उसके बाद भी ये लोग अपना मिशन छोड़ने को तैयार नहीं होते, ये सिर्फ ट्रेनिंग का असर है या कुछ और भी है इसके पीछे? देखिए ये एक ये नो रिटर्न जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। ये ज्यादातर फिदायन हमलों में ऐसे ही पाया गया है कि वहां पाकिस्तान के मदरसों में जैसे असमल कसाब जैसे लोग हैं जिनको बचपन से उनकी परवरिश हुई मदरसों में होती है और एक एंटी इंडिया के जहर पे उनको पाला पोसा जाता है और तरह तरह की वीडियो दिखाकर, तरह तरह की कहानियां, झूठ, मनगढ़ंत कहकर उनको भारत के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। उस कहानी का ये बड़ा अहम हिस्सा होता है कि जो हम फिदाइन कभी जम्मू कश्मीर पुलिस किसी फिदाइन या आर्मी किसी फिदाइन को जिंदा भी पकड़ पाई है, जैसे इस मामले में जिंदा पकड़ पाई, और हमेशा ये पाया गया कि उनसे कहा जाता है कि कश्मीर में ऐसी हालत खराब है, भारत ने इतनी हालत खराब कर दी है, वहां लोगों को इतना दबा के रखा है कि वहां मस्जिदों में वो नमाज नहीं पढ़ सकते, इसलिए तुम्हें कश्मीर जाकर अपने भाइयों के लिए लड़ना है, जिहाद करना है। और वो उसे तरह तरह की वीडियो दिखाई जाती है, फोटोज दिखाए जाते हैं, प्रोपेगेंडा दिखाया जाता है, पूरा वो तैयार हो जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर लेता है, वहां कोई कश्मीरी सिंपथाइजर उसको अपने घर में लाइन ऑफ कंट्रोल में कुपवाड़ा जैसी जगह पे या हंदवाड़ा जैसी जगहों पे शरण देता है, बारामूला में शरण देता है, वो कुछ दिन वहां रहता है और उसके बाद एक टारगेट दिया जाता है कि इस होटल में हमला करना है या इस बिल्डिंग पे हमला करना है। लेकिन जब वो निकलता है वहां पहली बार, जब देखता है वो बाहर और बाहर की जिंदगी उसकी दिखती है, तो उसको ये ज्ञात होता है कि बाहर की जिंदगी तो बिल्कुल आपको सैनिक दिख जाएंगे, सीआरपीएफ भी दिख जाएगी, वो भी दिख जाएगी, लेकिन लोग अपनी आम रोजमर्रा की जिंदगी कर रहे हैं। कश्मीर में हर स्क्वायर किलोमीटर में कम से कम एक दर्जन मस्जिदें हैं जो सुचारू रूप से काम कर रही हैं और हर वक्त आप नमाज अजान की आवाज आपको सुनाई पड़ेगी। तो उसको ये लगता है कि यहाँ पर तो सब कुछ खुला हुआ है, सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, फौजी भी खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तब तक उसके लिए देर हो चुकी होती है और वो अपने मिशन में आया होता है और उसको अपना मिशन पूरा करना है, वो अपना फायरिंग शुरू कर देता है और बिल्डिंग में शेल्टर ले लेता है और उसके बाद उसका मिशन ये होता है कि जितना हो सके उस बिल्डिंग को ऑक्यूपाई करो ताकि 24 आवर्स न्यूज चैनल में जो साइकिल है, न्यूज साइकिल का, उसमें बने रहना है, जितनी देर बने रहना है उतनी आपकी न्यूज बनेगी और फिर विदेशी पत्रकार आएंगे और आपको रेजिस्टेंस फाइटर कहेंगे और तरह तरह की चीजें कहेंगे, तरह तरह की उपाधियां आपको दी जाएंगी और आपका काम होगा। मतलब मैं आपको सही बताऊं, मुझे ऐसा लगा मैं अंग्रेजी में कहूंगा, एवरीबॉडी इज प्लेइंग ईच अदर, सब एक दूसरे का से अपना मतलब सीधा कर रहे हैं, बस जैसे मतलब कि एक चक्कर में घूम रहा है और आखिर में आके वो गरीब बंदा, जैसे कि एक इंटरोगेटर भी कहता है कि अधिकतर लोग जो आते हैं वो अनपढ़ आते हैं और उन्हें हम कहते हैं हम तुम्हें यहाँ पुलिस वाला बना देंगे और वो मान भी जाते हैं इस बात को, तो यानी आखिर में बलि के बकरे वही लोग हैं। देखिए वही है, अजमल कसाब जैसे लोग हैं जो गरीब परिवार से हैं और उनको कोई जिंदगी के बारे में आता पता नहीं है, वो अपनी मदरसों में पले हैं और वो मदरसे बने ही इसलिए हैं कि अजमल कसाब जैसे लोगों को पैदा किया जाए और उनका रुख जो है अपनी जरूरत के हिसाब से पाकिस्तान के ISI अगर उसको अफगानिस्तान की तरफ भेजना है तो अफगानिस्तान की तरफ भेजा जाए, अगर उसको अमेरिका की तरफ भेजना है तो अमेरिका की तरफ भेजा जाए, अगर उसको अफ्रीका की तरफ भेजना है तो अफ्रीका की तरफ भेजा जाए, और अगर उसको हिंदुस्तान की तरफ भेजना है तो हिंदुस्तान की तरफ भेजा जाए। अपनी जरूरत के हिसाब से ब्रेन वॉश्ड हैं, ऑलरेडी सैनिक हैं जिन्होंने बचपन से ही इसी डाइट पे वो पैदा हुए हैं, इसी डाइट पे वो जिंदा है, इसी डाइट पे उनको पैदाइश है, तो ये बहुत आसान उनके लिए हो जाता है। आखिर के एक दो सवाल राहुल, एक तो इस किताब के बारे में, क्योंकि अगला सवाल मेरा किताब से अलग है, आखिरी ये सब कांड होने के बाद जब जैश अल कलाम में उसकी ऑबिचुरी जैसी निकालता है तो वो तीसरा पॉइंट जो आपने लिखा, अफजर गुरु की भी बात करता है कि उसे तंत्रे ने ट्रेंड किया, हम तंत्रे की बात कर रहे हैं, ये कितना सच है और कितना प्रोपेगेंडा? मैं बिल्कुल ईमानदारी से बताता हूं, मैं मेनलैंड हिंदी क्षेत्र से आता हूं तो
मैं बहुत दूर से देख रहा हूँ उन चीजों को, और हमें वही चीजें पता चलती हैं जो पढ़ने को मिलती हैं या सुनने को मिलती हैं डिस्कशन में। ये बात कितनी सच है और कितनी प्रोपेगेंडा है उसमें छपने पर? देखिए, ये बहुत ही, अगर आप इन्वेस्टिगेशन, पार्लियामेंट अटैक इन्वेस्टिगेशन फॉलो करेंगे या उससे पहले भी उन अधिकारियों से बात करेंगे, पुलिस की तरफ से, स्टेट की तरफ से एक कम्युनिकेशन का फेलियर हमेशा रहता है। जब मैंने गाजी बाबा की स्टोरी लिखी, ये 2003 की स्टोरी है, काफी सारे अधिकारियों के मैसेजेस आए और उन्होंने मुझे कंग्रेचुलेट किया, मुबारकबाद दी, इसलिए कि इतने सालों के बाद वो कहानी पहली बार आई है और उजागर हुई है, और जिन लोगों ने उस ऑपरेशन को अंजाम दिया उन लोगों का नाम, उनको एक क्रेडिट एक तरह से उनको मिला है। तो उसमें एक मेरे पुराने बहुत दोस्त हैं जो बहुत ही जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने लिखा कि वी कॉप्स आर वेरी शॉर्टी स्टोरी टेलर्स, हमें समझ में नहीं आता, और इस तरह की, जैसे ये इंडियन स्टेट का एक बड़ा फेलियर रहा है, कश्मीर में खासकर बहुत बड़ा फेलियर रहा है, कि दूसरी तरफ आप जिस ताकत से जूझ रहे हैं वो इस चीज में माहिर है। मैं पाकिस्तान के ISI की बात कर रहा हूँ, उनके पास तरह तरह के बॉट्स हैं, तरह तरह की प्रोपेगेंडा मशीनरी हैं। अगर आप दुनिया की किसी भी कोने में कश्मीर पर कोई सेमिनार कराना चाहें, चाहे वो आइसलैंड में आप सेमिनार कराना चाहें, मैं आपको शर्तिया तौर पर कह सकता हूं कि वो अगर किसी सेमिनार किसी प्राइमरी स्कूल में भी होगा, वहां पर पाकिस्तानी एम्बेसी का कोई ना कोई ISI का अधिकारी जरूर मौजूद हो। इसकी तुलना अगर आप हिंदुस्तान से करें, अगर आप वॉशिंगटन DC में भी, जो थिंक टैंक्स का एक गढ़ माना जाता है, वहां पर भी अगर आप कोई कश्मीर पर करें, वहां पर 90% चांसेस हैं कि भारतीय डिप्लोमेसी से कोई भी आदमी वहां पर वॉच करने के लिए, उसको देखने के लिए मौजूद नहीं होगा। तो ये भारत, इंडियन स्टेट का हमेशा एक फेलियर रहा है। आप उस वक्त किसी भी अधिकारी से बात कीजिए और उन्होंने जिस तरह का इन्वेस्टिगेशन किया, उसमें से किसी को भी एक रत्ती भर का शक नहीं है कि ये जिस आदमी की हम बात कर रहे हैं, इसका इस पूरे प्रकरण में कितना हाथ था। जब ये वापस आया और पकड़ा गया, और ट्रक में इसको पकड़ा गया, और लैपटॉप इसके ट्रक से निकला, वो पूरा डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन इस कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं इसकी, इसका एविडेंस सामने रखने में कहीं ना कहीं भारतीय एजेंसी जो है चूक करती हैं, और उसका ये जो डाउट ऑफ लोगों के दिलों में पैदा कर देते हैं कुछ लोगों की मदद से, और इसमें कहीं ना कहीं गलती भी हो जाती है, क्योंकि आप जब उन्हें, जब उसे फांसी की सजा सुनाई दे जाती है, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो अपने आप में उसकी कहीं कहीं कमियां हैं, वीकनेसेस हैं उस चीज की। अब इन चीजों पर आप डिबेट कर सकते हैं, एक यूनिवर्सिटी में डिबेट कर सकते हैं, एक सभ्य माहौल में आप इन चीजों पर डिबेट कर सकते हैं, पर ये कहना कि वो बेकसूर था और उसका इस पूरे घटनाक्रम में कोई हाथ नहीं था, अब इस चीज पर डिबेट कर सकते हैं कि उसके अंतिम समय में उसे अपनी पत्नी या बच्चे से नहीं मिलने दिया जाए, क्या ये डेमोक्रेसी की जिम्मेदारी नहीं थी कि उसे कम से कम उसके बच्चे, उसके बीवी बच्चों को इन्फॉर्म कर दिया जाता, वो कुरियर उसे जिम्मेदारी से भेजा जाता। इन सब चीजों पर डिबेट होना चाहिए, किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी का की निशानी है। लेकिन ये कहना कि वो बेकसूर था, और ये मतलब मल्टीपल एंगल से हमेशा ये बात सिद्ध हुई है कि इस पूरे घटना में मेरे दिमाग में कोई संदेह नहीं है कि अफजल गुरु एक जैश ऑपरेटर था। तो मतलब जैसे कि हमने पहले इन्वेस्टिगेशंस की बात की थी कि इंटरनेशनल स्क्रूटनी में वो एयर टाइट नहीं होते थे, उसी तरह से ये भी सब मामला ढीला ढाला है। मैं आपको एक अच्छा उदाहरण देता हूँ जी। देखिए, इस मामले में किसी को रत्ती भर के संदेह नहीं है कि सैयद सलाहुद्दीन जो है हिजबुल मुजाहिदीन के सुप्रीम कमांडर और यूनाइटेड जिहाद काउंसिल जिसे हम कहते हैं, जो पाकिस्तान बेस्ड है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उसका हेड जो है सैयद सलाहुद्दीन, वो एक आतंकवादी, इसमें कोई संदेह नहीं है। 2000 के दशक में एक समय ऐसा आया कि कश्मीर में बहुत नॉर्मलसी आई, 2005-06-07 में बहुत स्थिति काफी ठीक हो गई थी, इतनी ठीक हो गई थी कि टूरिस्टों का तांता लगा था और डल लेक पर ट्रैफिक जैम लगने लगे, और हम भी जाते थे, मैं तो काफी सालों से आता जाता रहता हूँ, हमको भी एक बार लगा कि ये स्थिति एकदम सामान्य हो गई है। और उस सामान्य स्थिति में पुलिस को सईद सलाहुद्दीन की तरफ से मैसेज आने लगे कि वो सरेंडर करना चाहते हैं, वो आना चाहते हैं वापस, क्योंकि अल्टीमेटली वो कश्मीर का रहने वाला है और वो एक तरह से एग्जाइल में रह रहा है, उसको वहां रह तो रहा है लेकिन
एक समय ऐसा आदमी की जिंदगी में आता है जब वो अपने घर वापस आना चाहता है, उस तरह की मुझे मालूम नहीं कि वो किस तरह की मेंटालिटी से गुजर रहा था उस वक्त, लेकिन इस तरह के सिग्नल्स, इस तरह के संदेश जो है उसने इंटेलिजेंस एजेंसीज को, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को सौंप दिए। और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की एक मीटिंग होती है, उसमें ये देखा जाता है कि जब ये आदमी वापस आएगा तो इसे किस बिना पर, हमारे पास क्या एविडेंस है इसके खिलाफ जिसके बिना पर हम इसको गिरफ्तार कर सकते। और ये बहुत ही चौंकाने वाली बात आती है जब उनको मालूम लगता है कि इसके खिलाफ तो हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है। क्या मतलब, क्या सबूत इसके खिलाफ देगा है? तो कोई एक जूनियर अफसर है, वो ये कहता है कि एक AK-47 राइफल हम रख देते हैं और किस तरह का सबूत जुटा के हम उस तरह का चीज करते हैं। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये इसीलिए NIA का गठन हुआ था 2008 में, चिदंबरम साहब ने इस एजेंसी का गठन किया था। आज संयोगी है, उन्होंने इस बारे में ट्वीट भी किया है आज गोगोई के मामले में, जिनको एक NIA की कोर्ट ने उन्होंने लिखा है आज, ट्वीट किया, मैं देख रहा था कि NIA का गठन मैंने इसलिए नहीं किया था कि ऐसे केसेस में NIA लिप्त हो और ऐसे झूठे मूठे केसेस में लोगों को फंसाए। मैंने NIA का गठन इसलिए, और ये बात सच भी, NIA का गठन इसलिए हुआ था क्योंकि उस वक्त का जो फीडबैक FBI और इस तरह की प्रोफेशनल एजेंसी से मिल रहा था, और मैंने किताब में भी लिखा जी, कि लोग कहते थे कि देखिए ये सब तो ठीक है, ये सबूत तो, ये तो सब ठीक है, लेकिन सबसे पहली बात हमें क्यों बोल रहे हैं आप, ये हमें क्यों बता रहे हैं? तो आप अपना काम, मतलब आपका एक्शन तो आप खुद लेना, नंबर एक। नंबर दूसरा, ये जो आपने मुझे ये फाइल पकड़ाई, डॉसियर जिसे हम कहते हैं भाषा, डॉसियर, ये तो विकिपीडिया एंट्री जैसा लग रहा है। ये तो लग रहा है कि कोई दो आदमी आपने बिठा दिया और उसने इंटरनेट खंगाला और इधर उधर से कट पेस्ट करके उसने एक फाइल बना दी। तो इसे आप एविडेंस नहीं कह सकते। तो इसीलिए NIA का गठन हुआ था कि वही एविडेंस, उसी एविडेंस का प्रोफेशनलिज्म आप पुलवामा केस में देखेंगे, जहां पर जी पेश होगा और केस में आगे चलेगा। तो इसमें पूरी पूरा प्रोफेशनल एटीट्यूड किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का होना चाहिए था, वो है। तो इसीलिए कई सारे मामलों में ये कम्युनिकेशन फेलियर है या एविडेंस गैदर करने का फेलियर है, जिसका लाभ, जिसका यू नो बेनिफिट ऑफ डाउट अफजल गुरुजी से लोगों को कई बार मिलता है। राहुल, आपसे एक सवाल मैं आपकी पिछली किताब के बारे में पूछना चाहूंगा, आर मून हैज ब्लड क्लॉट्स। मैंने वो किताब जब आई थी तभी खरीदी थी, और उसके बाद मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई जो कोट एंड कोट थोड़ा लिबरल सर्कल में है। तब मुझे इस विषय के बारे में इतना ज्यादा नहीं पता था, अब तो फिर भी शायद थोड़ा बहुत पता है, लेकिन तब इतना नहीं था। और मुझे एक कोट बहुत कॉमनली सुनाई दिया कि नहीं, किताब में एग्जैजरेशन बहुत है, जबकि जो मुझे समझ आया था वो फर्स्ट पर्सन अकाउंट था। तो मैं चाहता हूं आप इस चीज को, अगर हो सके तो थोड़ा सा, एक मेरे जैसे अज्ञानी व्यक्ति के लिए जिसको विषय के बारे में फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है, जरूर बताएं, और दर्शकों के लिए भी हमारे। देखिए, जब मैं वो किताब लिख रहा था, वो बहुत बहुत साल हो गए उस किताब को, और उस किताब पर मैं बहुत साल से काम कर रहा था, और मेरे मन में डाउट था कि उस किताब को किस तरह का रूप दिया जाए। अल्टीमेटली मैंने अपनी एडिटर मीरू गोखले, जो पेंगुइन रेंजवांस की चीफ एडिटर है, उनके साथ, मेरे मित्र हैं, और उनके साथ हमने ये फैसला किया कि इसको एक मेमोर, पार्ट मेमोर पार्ट रिपोर्टाज के रूप में किया जाए। लेकिन जब मैं इस पर काम भी कर रहा था, तब भी मुझे इस बात की पूरा एहसास था कि जब मैं ये किताब बाहर आई तो एक बहुत बड़ा तबका है जो कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर डिनाइल में है। आप उनके सामने कोई देवदूत बनकर भी सारे एविडेंस प्रस्तुत करें, वो आप उनका मन आप बदल नहीं वाले हैं, ठीक है? तो लेकिन कम से कम मैं अपनी किताब में जो तथ्य प्रस्तुत करूं, वो किसी भी जर्नलिस्टिक कसौटी पर खड़े उतरे, और मैंने वो किया। जब उसके बाद एग्जैजुएशन के चार्जेस लगे, मैंने उन सब लोगों से पूछा कि आप मुझे पॉइंट टू पॉइंट बताइए, मुझे एक उस किताब का पैसेज उठा के बता दीजिए कि इसमें आपको क्या एग्जैजुएशन है, और मैं उसका एविडेंस, काउंटर एविडेंस प्रस्तुत करता हूं, ठीक है? उस वक्त मुझे याद है काफी सारी बहस हुई थी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में। उस वक्त कश्मीर की एक जर्नलिस्ट अनुराधा भसीन, जो कश्मीर टाइम्स एक अखबार है, वहां शाया होता है, उसकी एडिटर ने एक बहुत लंबा चौड़ा एक फेरिस लिखी मेरी किताब को लेकर कि इसमें ये झूठ है, फलाना झूठ है, ढिमकाना झूठ है, तरह तरह की चीजें। उसका मैंने एक रिबटल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली को भेजा, जो उस वक्त उन्होंने
छापा, अनिकित आलम मेरे दोस्त हैं, उन्होंने छापा, और तमाम जो उन्होंने अनुराधा ने जो 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 चीजें उसमें लिखी थी वो खड़ी की खड़ी झूठ निकली पूरी, और पॉइंट टू पॉइंट मैंने रिबटल किया है। जगमोहन के मामले में मुझ पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया गया कि जगमोहन उस वक्त थे, वो तमाम ऑफिशियली मैंने उन सब चीजों का रिबटल किया, और उसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं था इस सब चीजों की। अगर आप चाहें तो ईपीडब्ल्यू पे जाके उनके आर्काइव्स में चेक भी कर सकते हैं, कोई भी आदमी जाकर चेक कर सकता है। तो ये तरह तरह के इल्जाम उस वक्त लगे, पर मुझे एक आदमी ने किसी भी साहब ये कि उस पहाड़ी पर जेके लगा या पिटा कराटे ने इस आदमी को मारा यहाँ पर, या नीलकंठ गंजू की हत्या यहाँ पर हुई, या 19 जनवरी को अब यहाँ पर मस्जिदों में ये हुआ, या 19 जनवरी को मस्जिदों में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ ये नारे लगे, इसका खंडन तो कुछ नहीं हुआ। अब आप एक एकेडमिक भाषा में आप तरह तरह की चीजें कहते हैं कि अब कश्मीरी पंडित तो इलीट थे और वो जमींदार थे, इस तरह की मनगढ़ंत कहानियां आप बनाते हैं कश्मीर की हिस्ट्री को बिना जाने। उस वक्त अर्ली 2000s में, अब चूंकि इंटरनेट का जमाना है वरना हम कहां निकाल पाते, उस वक्त बरखा दत्त ने एक प्रोग्राम किया है, वो रियलिटी बाइट्स एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें उन्होंने कहा कि यू नो दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक प्रिविलेजेस ऑफ कश्मीरी पंडित्स एंड सो ऑन एंड सो। उसके बाद वो इंटरनेट पे कई बहुत वायरल हुआ, उसको हमने भी फ्लैग बहुत किया। तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, मैं सिर्फ, मेरे पास सिर्फ 10 साल का अनुभव था, ठीक है, और मेरे से गलतियां होगी, मेरे को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव नहीं मान पा। 10 साल के अनुभव के बाद आप ऐसी गलतियां करते हैं कि एक कम्युनिटी के जेनोसाइड, एक एथनिक क्लेंजिंग को आप उनकी इकोनॉमिक प्रिविलेजेस पर हैंग ऑन करती हैं, और आपको आपकी कोई जवाबदेही नहीं। ये वही सेक्शन है जिन्होंने, नीता शर्मा एक युवा पत्रकार हैं, जिन्होंने अफजल गुरु के गिरफ्तारी के बाद एक कन्फेशनल रिपोर्ट छापी मेरे ख्याल से हिंदुस्तान टाइम्स में, वो आजकल एनडीटीवी में काम करती हैं, होम मिनिस्ट्री देखती, इंटरनल सिक्योरिटी देखती हैं। मेरे ख्याल में जब उन्होंने वो रिपोर्ट फाइल की होगी तो उनके पास 25 साल का अनुभव रहा होगा, और उसके बाद उनको रामनाथ गोयनका पुरस्कार मिला। एक पूरा तबका रामनाथ गोयनका कमेटी के पीछे पड़ गया कि आपने नीता शर्मा को पुरस्कार कैसे दिया। तो इस तरह की जो ड्यूअलिटी है, हिपोक्रेसी है, मुझे इस हिपोक्रेसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मेरे दोस्त नीलेश मिश्रा, जिनके साथ मैंने पहली किताब लिखी है आज इन स्टेट, उनका एक कथन है जो मैं एकदम हर जगह करता हूँ। वो कहते हैं कि नीलू, मैं उसको कहता हूँ, नीलू ने कहा कि I prefer a label on my forehead than blinkers on my eyes. जी। तो आप मुझे तरह तरह के लेबल, जब हेलो बस्तर आई थी तो मुझे नक्सली कहा गया, आज की भाषा में वो अर्बन नक्सल कहते हैं, है ना। जब Our Moon Has Blood Clots आई तो क्लोजेट संगी बोला गया। तो मुझे ये मेरे लिए एक कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टर के लिए, एक रिपोर्टर जो अपने दिल्ली से रिपोर्ट नहीं करता, जगह जगह पर ग्राउंड प्रस्तुत करता है, जैसे हिंदी में कहते हैं ये मेरे लिए आभूषण, तो ये मैं इनको तमगों की तरह देखता हूँ, मुझे इनसे रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता, मेरे काम के जू नहीं। तो मैं पूरी ईमानदारी से, मुझे जो दिखता है मैं वो काम करता हूँ, मुझे बैलेंस, न्यूट्रलिटी, इन सब में कोई विश्वास नहीं। मैं बस्तर जाता हूँ, वहां जो कुछ मैंने देखा उसको मैंने छापा, किसी को नागावार गुजरी, किसी का मैंने पक्ष प्रस्तुत नहीं किया, इसमें मेरे को कोई दिलचस्पी नहीं है, और इस तरह की पत्रकारिता मैंने जिंदगी में नहीं की। मेरा आखिरी सवाल पत्रकारिता से जुड़ा हुआ यह राहुल, कि आप कॉन्फ्लिक्ट जोन से, संघर्ष के क्षेत्रों से इतने लंबे समय से पत्रकारिता करते रहे, तो आप नए पत्रकारों के लिए या जो पत्रकार इस तरह के एरिया से रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, उनको क्या बताना चाहेंगे कि हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह के मनस्थिति को, किस पर्सपेक्टिव को लेके जाना चाहिए? देखिए, मेरे पास मेरे लिए उनका एक ही एडवाइस है, जो युवा जनरेशन है, खासकर जो वेबसाइट्स वगैरह के लिए काम करती हैं, एक से एक शार्प रिपोर्टर हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कभी मैं तमाम लोगों के काम को फॉलो करता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है सच के प्रति उनकी जो जिज्ञासा है उसके प्रति। पर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि किसी भी पत्रकार को क्लीन बेडशीट जर्नलिज्म प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए।
क्लीन बेडशीट जर्नलिज्म मैं समझाता हूँ कि अमूमन क्या होता है कि आप किसी कॉन्फ्लिक्ट जोन में उसी लेवल तक जाते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में पत्रकार जाते हैं सिर्फ जगदलपुर तक जाएंगे क्योंकि जगदलपुर में एक होटल है, आसपास के एरिया में आप घुमाए, जंगल में आपने एक पीस टू कैमरा कर दिया, पीछे जंगल दिख गया, दो आदमियों को अपनी वर्दी में खड़ा कर दिया, वापस आ गए जगदलपुर में जहां पर एक छोटा मोटा होटल है, एक बेडशीट आपको साफ सुथरी मिल जाएगी और शाम का खाना आपको मिल जाएगा। लेकिन संपादक भी इसे खुश हैं क्योंकि कोट एंड कलर आपको मिल गया, आपने दो कोट उससे आईजी से ले लिए, एक उससे ले लिया और ये आपका काम समाप्त हुआ। लेकिन असली सच्चाई, असली पत्रकारिता ऐसे नहीं होती। असली पत्रकारिता के लिए आपको जगदलपुर से आगे जाना पड़ेगा, वहां समय बिताना पड़ेगा और यही बात किसी भी कॉन्फ्लिक्ट क्षेत्र के लिए लागू होती है। जब तक वहां पर आप जाके उन लोगों का ट्रस्ट नहीं जीतेंगे, उनकी तरह तरह की चीजों, पेशेंस आपके पास लिसनिंग के लिए बहुत होना चाहिए। ये नहीं कि एक टॉप डाउन अप्रोच होता है, जो खासकर दिल्ली से पत्रकार जाते हैं, और दिल्ली से जो पत्रकार जाते हैं वो अमूमन वहां के जो छोटे शहरों के या छोटे कस्बों के या छोटे गांव में जो पत्रकार हैं, छोटे वो पत्रकार नहीं है, मतलब वो छोटे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या स्ट्रिंगर्स होते हैं, उनको उस एरिया का बहुत ज्ञान होता है, वो हमेशा हम सारे लोग उनकी मदद लेते हैं। लेकिन हमेशा एक वो हमको एक सुपीरियर, दिल्ली से जो पत्रकार जाता है उसको एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत होता है कि मैं अंग्रेजी का दो शब्द जानता हूँ और मैं काला चश्मा पहन के आईजीपी के दफ्तर में जा सकता हूँ, शायद वो ना जा पाए और मुझे शायद इस एरिया का बहुत ज्यादा ज्ञान है क्योंकि वो अगला आदमी जो है शायद उसको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती या वो दो चीजें आपको नहीं पता। लेकिन अल्टीमेटली आप उसी आदमी पर निर्भर है, उसके बिना आपकी कहानी नहीं होती, चाहे वो कश्मीर हो चाहे वो बस्तर हो, कहीं भी नहीं हो। तो उसकी एक प्रति सम्मान, एक टॉप डाउन अप्रोच की जो अवस्था रहती है आपकी, उसको सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल जाना चाहिए और उसके बाद तभी आपका जो ओनली देन यू बिकम ओपन फॉर लर्निंग, बिकॉज इफ यू आर नॉट लर्निंग देन यू आर नॉट ग्रोइंग एज अ रिपोर्टर। राहुल की इसी बात पर आज की बातचीत को विराम देते हैं और राहुल की किताब द लवर बॉय ऑफ भावलपुर, ये जगरनॉट से प्रकाशित है, आपको Amazon और सभी जगह पर मेरे ख्याल से मिल जाएगी, जरूर पढ़िए, बहुत ही रोचक किताब है। जैसा राहुल ने कहा, ईमानदार पत्रकारिता तब तक नहीं हो सकती जब तक उसके ऊपर विज्ञापन देने वालों का दबाव है, इसीलिए न्यूज लॉन्ड्री में हम विज्ञापन दाताओं पर नहीं केवल सब्सक्राइबर्स पर निर्भर करते हैं, इसीलिए ईमानदार पत्रकारिता का समर्थन करें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू शाहुल। ऐसी ही जनता से जुड़ी खबरें अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मीडिया आज़ाद होकर बिना किसी दबाव के काम करें, तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।